नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मनी सॉल्यूशन हिंदी में। और जो मैं ये वीडियो है इसका थंबनेल आपने देखा होगा, जैसा इसका थंबनेल है वैसे ही इस वीडियो का यानी जो ये एप्लीकेशन है वैसा इसका काम है। यानी जो नया आया है वो है सिट्रस वैलेट यानी लेजी पे, यानी इसके अंदर दो हैं सिट्रस वैलेट और लेजी पे। इसके अंदर दोस्तों ये खुद में ही ये जो ये वैलेट है ये अपने आप में ही एक क्रेडिट कार्ड भी है। यानी इसके अंदर से आप पैसे तो क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में आप इससे लोन भी ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो ये वैलेट है, जो इस वैलेट की केवाईसी है वह और केवाईसीयों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपको जैसे ही जब आप इसमें अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे बोलेगा कि आप अपना आधार कार्ड की पिक इधर अपलोड कीजिए, जो आपका पैन कार्ड की पिक अपलोड कीजिए, और जो आपका बैंक अकाउंट है उसका कैंसिल चेक की पिक अपलोड कर दीजिए। तो ये पिक आपको इसके अंदर यानी जो फोटो है उसकी वो अपलोड करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपके पास जैसे ही वो करेगा, देखिए मैंने इधर मेरा जो यस बैंक का अकाउंट है वो मैंने इसके अंदर रजिस्टर कर रखा है। तो जैसे ही आप अपना कोई भी बैंक अकाउंट इसके अंदर रजिस्टर करेंगे कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो जो ये है जो लेजी पे है ये एक OTM जनरेट करता है यानी वन टाइम मैंडेट फॉर्म, और वो आपके बैंक को भेजता है। यानी KYC होने में 3-4 दिन लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्या है कि OTM मैंडेट सपोर्टेड होना चाहिए। आपका कौन सा बैंक है आप वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि वो OTM मैंडेट है या नहीं। तो चलो बात करते हैं कि हम इसमें पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इधर आपको वैलेट दिखाई दे रहा, वैलेट के अंदर जाइए और इधर लोड मनी कीजिए। आप मिनिमम आपको 250 करना पड़ेगा और लोड मनी कीजिए। इधर आपको कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कार्ड नंबर देखो शो नहीं कर सकता, तो मैं इधर अपना कार्ड नंबर डाल रहा हूँ 4047। तो ये मेरा जो कार्ड है ये ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया है, तो ये मेरा कार्ड है और उसके बाद मैं CVV नंबर डालता हूँ और फिर मैं उसके ऊपर जैसे ही अपना वो करता हूँ उसके बाद ये जाएगा डायरेक्टली पेमेंट गेटवे के ऊपर। दोस्तों ये है ना पेटीएम से भी अच्छा है, क्योंकि पेटीएम पहले हमें जैसे पैसे ट्रांसफ़र करवा रहा था सेम ये उसी की तरह है, लेकिन इसका जो KYC है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना कि आपका बैंक OTM जो वन टाइम मैंडेट फॉर्म सपोर्टेबल है या नहीं, मैं आपको बता दूंगा और आप इसकी KYC कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसके अंदर 250 मिनिमम आप इसके अंदर 250 रुपीज़ आपको ऐड करना ही पड़ेगा। मैं इसके अंदर 250 है, ये मेरा सक्सेस हो गया दोस्तों। अब मेरे को क्या करना है, देखिए जैसे ही मेरा ये डन हो गया उसके बाद मेरे को वापस जाना है वैलेट के अंदर, और वैलेट में जैसे ही मेरी पैसे हैं अब आपको इधर सेलेक्ट करना है विड्रोल मनी। विड्रोल अमाउंट मैं करूँगा 250 और विड्रॉ। अभी देखिए मेरे दो अकाउंट का मैंने OTM करवा रखा है, यस बैंक का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो मैं इसके ऊपर यस बैंक के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ और विड्रॉ करता हूँ। तो जैसे ही है ये देखिए सक्सेस ये मैसेज आ गया, विड्रॉन अमाउंट मे टेक अप टू 2 working days, यानी 2 दिन लग सकते हैं इसके लिए आपको। तो मैं आपको देखिए दोस्तों मैं वीडियो ऐसे नहीं बनाता हूँ, मैं पूरे प्रूफ के साथ बनाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले शूट किया था और अभी मैं इसको एडिट करके दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे जो येस बैंक में है ये देखिए, ये मैंने 250 किया था, ये देखिए 250 रुपीज़ क्रेडिट टू अकाउंट नंबर इतना इतना जुलाई NEFT पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये है। उसके बाद सिट्रस अकाउंट नंबर KKBK यानी इस अकाउंट से उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, और जो टोटल बैलेंस है मेरा अभी 1738 रुपये हो गया। तो ये था दोस्तों इसका तरीका। अब मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें एक और है कि लेजी पे है जो, इसके अंदर देखिए मैं लोन भी ले सकता हूँ। अगर जिसके पास दोस्तों क्रेडिट कार्ड नहीं है वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए अगर मैं टेक इंस्टेंट लोन लेता हूँ तो इधर मैं मान के चलिए इसका थोड़ा सा, देखिए दोस्तों पैसे की ज़रूरत सबको पड़ती है। मैं अगर 50,000 रुपये लोन लेना चाह रहा हूँ तो इसके अंदर ये भी फैसिलिटी है। आप जैसे ही KYC करवाएं हो जाएगा, उसके बाद मैं EMI जैसे सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों 12 मंथ, तो ये देखिए उसके बाद प्रोसेसिंग फीस 0 है। और अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ दोस्तों,
तो ये पूछता है कि किस अकाउंट में आपके पैसे ऐड करने हैं। वी विल क्रेडिट 50,000 टू बिलो अकाउंट, डू यू वांट कंटिन्यू विद विड्रॉल। अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो दोस्तों मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये ऐड हो जाएंगे और उसको आप 12 महीनों की जो ईएमआई है उसमें पेड कर दीजिए। ये दोस्तों उनके लिए है कि जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये आज के टाइम में ये जो PayU है उसने किया है। तो अगर आप इसके KYC करने में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको 100% इसके लिए जो भी आपकी क्वेरी है क्लियर करूँगा। इसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए। लेजी पे है और इसके अंदर दो हैं, सिट्रस का है ये और जो लेजी पे है वो PayU का है, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से। आपने पहले शायद कभी सिट्रस पे यूज़ भी किया होगा और PayU एक बहुत आज के दिन में बहुत बड़ा वो बन रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।